नमस्कार दोस्तों, लखनऊ फूडी में आपका स्वागत है। मुझसे कई लोगों ने कम्प्लेन करी और कहा कि भाई आप तो इडली डोसा के लिए फेमस हो और आज तक आपने इडली और डोसे की रेसिपी ही नहीं बताई हमें। तो लीजिए, आज पेश है मेरे फूड ट्रक की सीक्रेट इडली की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरे पास एक फूड ट्रक भी है। तो अगर आप लोगों को कभी किसी कैटरिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इडली का बैटर तैयार करेंगे और इसी बैटर से आप डोसा भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चावल, धुली उड़द की दाल, पोहा और मेथी। अब इनका अनुपात होता है 3 भाग चावल, 1 भाग दाल और आधा भाग पोहा का और 1 टीस्पून मेथी। बस इसी अनुपात को आप याद कर लें और आपके इडली और डोसे हमेशा परफेक्ट बनेंगे। चावल हम कोई भी 25-30 रुपए किलो वाला जो चावल मिलता है वो हम ले लेंगे, और अगर आपको इडली राइस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उससे इडली आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। और अगर उड़द आपको साबुत बिना छिलके वाली उड़द मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है, या आप अगर उड़द लें तो उसको हमेशा ध्यान से देखें कि जो भी उड़द ज़्यादा वाइट होगी उसकी इडली और डोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप पका हुआ चावल उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी, यानी कि 1/2 कप। अब हम इन सारी चीजों को भिगो देंगे। चावल और पोहे को हम कम से कम 2 पानी धोकर भिगोएंगे, लेकिन उड़द की दाल को हम कम से कम 4 से 5 पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ कर धुलेंगे, जब तक कि उसमें से सफेदी निकलना बंद ना हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद हम मेथी को धुली उड़द दाल में डाल देंगे और इन सबको कम से कम 3 घंटे के लिए हम भीगने के लिए रख देंगे। अब हम इन सबका एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको हम एक छन्नी से छानकर निकाल लेंगे, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं और पानी ज़्यादा होने की वजह से बैटर उनका पतला हो जाता है। इसलिए हम पीसते वक्त जितना ज़रूरत होगा इसी पानी का हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस्तेमाल कर लेंगे और एक थिक बैटर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले उड़द की दाल को पीस लेंगे और जितना पानी ज़रूरत हो उतना ही पानी हम डालेंगे, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसी तरह हम अपने पोहे और चावल को भी पीस लेंगे। चावल को हम एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, बस उसमें हमें रेत के कण के बराबर चावल के दाने पता चलने चाहिए, तभी हमारे इडली और डोसे बहुत ही बढ़िया बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। अब हम इन सबको एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें नमक डालेंगे और इसे हाथों से बहुत अच्छे से हम फेंटेंगे। जितना ही हम इसे फेंटेंगे उतना ही इसका एयरेशन होगा और हमारी इडली बहुत बढ़िया फूली फूली बनेंगी और डोसे भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम थोड़ा सा बैटर एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इस बर्तन में हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, यानी कि पुराना बैटर। मैं जब भी इडली या डोसा बनाता हूँ उसका थोड़ा सा बैटर निकाल कर मैं रख लेता हूँ और उसे हर बार नए बैटर में मिला देता हूँ। हमारा पुराना बैटर नेचुरल ईस्ट का काम करता है और इससे हमारा फर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी और ज़बरदस्त होता है। ये देखिए हमारा फर्मेंटेशन कितना बढ़िया हुआ है, एकदम ज़बरदस्त हुआ है। और जिस बर्तन में मैंने पुराना बैटर नहीं मिलाया था उसका देखिए फर्मेंटेशन कितना ही कम हुआ है। अब हम इडली बनाने के लिए इडली कुकर लेंगे और इसमें पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। इडली प्लेट्स में हम तेल लगा लेंगे। और बैटर को हम अच्छे से फेंट लेंगे, फिर हम इनको प्लेट्स में डालेंगे। प्लेट्स को लगाने का तरीका ये है कि इनको अल्टरनेट तरीके से लगाएं, एक के ऊपर ना लगाएं, जिससे कि इन इडली को फूलने का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। हम प्लेट्स को कुकर में रख देंगे और इन्हें 15 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले 5 मिनट हम तेज आंच पे पकाएंगे, फिर 10 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे और 10 मिनट बाद हमारी स्वादिष्ट इडली एकदम बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए हमारी महानरम मुलायम इडली एकदम बनके तैयार हैं। देखिए कितनी ही आसानी से ये चम्मच से कट रही हैं। वाह, देखकर मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और इसे आप मेरे बनाए हुए सांभर, नारियल की चटनी, लाल चटनी, पीनट चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और अगर सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए तो वाह वाह वाह, क्या मज़े हैं, बिल्कुल जन्नत है जन्नत। तो आप भी मज़ा उठाएं इस रेसिपी का और मुझे बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि मज़ा ना आए खाने में तो रपट करिए थाने में। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।